दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में। तो दोस्तों टेम्परेचर ट्रांसमीटर जो कि एसटी मोटर में बेयरिंग टेम्परेचर और गियर बॉक्स का जो आरटीडी लगा होता है और वाइंडिंग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो हम आरटीडी यूज करते हैं तीनों फेज के लिए, तो उसके लिए हम एक आरटीडी के साथ साथ टेम्परेचर ट्रांसमीटर का यूज करते हैं जो कि रेल माउंटिंग होता है, यानी कि जो जेबी के अंडर जो रेल लगा रहता है उसके ऊपर हम माउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों टेम्परेचर ट्रांसमीटर हमारा जनरली तीन टाइप का आता है। एक आता है हमारा रेल माउंटिंग, यानी कि जो रेल के ऊपर एक पतला सा काट टाइप का होता है उसको माउंटिंग वो उस टाइप का। एक दूसरा होता है फील्ड माउंटेड, यानी कि जो कि प्रोसेस लाइन में डायरेक्ट लगा दिया जाता है। और एक तीसरा होता है दोस्तों हॉकी पुक टाइप का, जिसको यानी कि एक आरटीडी या थर्मोकपल के साथ साथ ही उसमें अटैच रहता है। तो ये टोटल तीन टाइप के हमारे टेम्परेचर ट्रांसमीटर होते हैं, रेल माउंटेड, फील्ड माउंटेड और हॉकी पुक टाइप का है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज अब बात करेंगे एंडर्स प्लस हाउजर का जो रेल माउंटेड टाइप का टेम्परेचर ट्रांसमीटर आता है, आई टेम्प TMT 111 या 112, ऐसे करके TMT का कई मॉडल आता है। तो दोस्तों ये इसका मॉडल है आई टेम्प TMT 112, 111, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे आई टेम्प TMT 112 के बारे में कि कैसे इसका कैलिब्रेशन करते हैं, इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है और सारे इसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों एक एसटी मोटर का हम कैसे टेम्परेचर कंट्रोल रूम तक सेंड करते हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर के द्वारा, वो भी इस वीडियो में हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको वीडियो में सबसे पहले इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बताते हैं, फिर आपको बताएंगे इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो वीडियो में दिख रहा है ये TT हमारा एंड्रेस प्लस हाउजर का आइटम TMT 112 जो कि रेल टाइप का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। ये दोस्तों आरटीडी या फिर थर्मोकपल को इसमें हम कनेक्ट करते हैं दूसरे एक एंड पे, और दूसरे एंड पे जो टर्मिनल है वहाँ से हम कंट्रोल रूम में इसका सिग्नल प्रोवाइड करते हैं 4 to 20 mA के रूप में। तो दोस्तों जो इसका सेंसर वाला जो टर्मिनल्स है वहाँ पे चार टर्मिनल दिया गया रहता है, 1, 2, 3, 4 करके, और जो ऊपर वाला जो टर्मिनल होते हैं 2 टर्मिनल 5 और 6 वो हमारे आउटपुट के टर्मिनल होते हैं। उसी पर हम 24 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और 4 to 20 mA का आउटपुट लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही पतला यूनिवर्सल टाइप का टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है जो कि मोटर का या फिर फील्ड में किसी दूसरे टाइप के जो हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे होते हैं उनका टेम्परेचर को कंट्रोल रूम तक हमारा ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसमीटर होता है ये सिग्नल को बस ट्रांसमिट करता है और लोकल में कोई इसकी वैल्यू शो नहीं होती है, तो इसीलिए इसको हम रेल माउंट के लिए यूज करते हैं। और दूसरा जो आपने मैक्सिमम जो देखा होगा कि जो फील्ड में लगा रहता है प्रोसेस लाइन में उसमें हमारा सिग्नल ट्रांसमिट भी होता है और लोकल में भी शो होता है, लेकिन जो हमारा ये हमारा यूनिवर्सल टाइप का आई टेम्प TMT 111 या 112 ऐसे टाइप के जो जितने भी आते हैं ये हमारे सिग्नल को बस ट्रांसमिट करता है, लोकल में शो नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं कि जो टर्मिनल का डिटेल्स है वो क्या क्या है। तो जो दोस्तों सबसे पहले ये जो हमारा एंड्रेस प्लस हाउजर का जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर है आई टेम्प TMT 112 इसके जो नीचे का जो चार टर्मिनल दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों ये हमारा अगर इसमें अगर आरटीडी का हम कनेक्शन करेंगे, अगर 2 वायर हमारा आरटीडी है तो 1 में नेगेटिव वायर और 2 नंबर में हम पॉजिटिव वायर कनेक्ट करते हैं। आप इसका एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में पूरा डिटेल्स दिया गया है कि 2 वायर का हम कनेक्शन कैसे करेंगे। अगर हमारा 3 वायर आरटीडी है तो 3 वायर आरटीडी का हम कैसे करेंगे, और अगर 4 वायर का हमारा आरटीडी है तो उसका कैसे करेंगे। तो दोस्तों 2 वायर का आरटीडी में 1 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव वायर, और हमारा 3 वायर अगर आरटीडी होता है तो 1 और 3 पे नेगेटिव रहेगा 2 पे पॉजिटिव रहेगा, और अगर आरटीडी हमारा 4 वायर का है तो 1 और 3 पे नेगेटिव और 2 और 4 पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों आउटपुट में जो हमारा 5 और 6 का जो टर्मिनल है तो हम 5 पे 24 वोल्ट का पॉजिटिव वायर रखते हैं और 6 पे नेगेटिव या फिर ग्राउंड वायर रखते हैं जिससे हमारा 4 to 20 mA आउटपुट जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा कनेक्शन डिटेल्स, वायरिंग डिटेल्स, इसमें कैसे हम कनेक्ट करते हैं। और अगर दोस्तों हम अगर थर्मोकपल लेते हैं इसमें तो थर्मोकपल को हम 1 और 2 पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा इस TD जो होता है ये अलग अलग बहुत सारे रेंज में आता है, ये इसका रेंज कई सारे रेंज होते हैं जिसमें जैसे -35 से 100, 0 से 150, 0 से 100, 0 से 200, 0 से 600, बहुत सारे रेंज के आते हैं अलग अलग, हमें जैसा रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे हमें अपने लगाना रहता है तो उस फील्ड का जो प्रोसेस का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करके फिर लगाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इनपुट में। तो दोस्तों हम इनपुट में इसमें आरटीडी, थर्मोकपल
या ओम या यानी कि रेजिस्टेंस या फिर मिली वोल्ट हम इसमें दे सकते हैं। दोस्तों कोई भी ट्रांसमीटर होता है, जैसे टेम्परेचर ट्रांसमीटर ही हो गया या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, तो इनपुट की बात की जाए तो इनपुट में उसका कभी भी पावर सप्लाई को इनपुट नहीं बोला जाता। इनपुट में होता है जिस चीज़ का ट्रांसमीटर है, जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर है तो उसका इनपुट हमेशा प्रेशर होगा। अगर टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो उसका इनपुट जो होगा हमेशा टेम्परेचर यानी कि RTD होगा या फिर थर्मोकपल होगा या फिर मिली वोल्ट होगा, तो ये इसका इनपुट होता है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारे ये ट्रांसमीटर का डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले कि इसका हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका हम कैसे इसका बेसिक सेटअप कैसे करते हैं और हार्ट के द्वारा इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। इसमें कैलिब्रेशन में क्या क्या करते हैं, हमें सेंसर अगर चेंज करना है तो सेंसर RTD थर्मोकपल कैसे चेंज करेंगे, 2 वायर से 3 वायर या फिर 4 वायर को कैसे चेंज करते हैं, इसका रेंज सेटअप कैसे करते हैं और भी बहुत सारे जो सेटिंग होता है वो कैसे इसमें सेटअप करते हैं उसको आगे दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका वीडियो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों कैलिब्रेशन करने से पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, चाहे कोई भी हार्ट हो, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम कैलिब्रेशन ऑफलाइन करते हैं तो हमें 250 ओम का रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ता है, जो कि हम सीरीज में लगाते हैं हार्ट के द्वारा, तब हम उसको कैलिब्रेशन में उसको करते हैं। और अगर यदि हम लाइन में करते हैं, अगर प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है, पावर से कनेक्टेड है, तो उसको हमको रेजिस्टेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे DI कार्ड होता है, PLC या DCS का या फिर जो भी हमारे कार्ड होते हैं, तो उनमें हमारा AI कार्ड जो भी होता है उनमें रेजिस्टेंस इनबिल्ट होता है। तो इसीलिए जब हम ऑनलाइन कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम आपको दिखाते हैं कि हम कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा 2 वायर है आउटपुट के, यानी कि जो जिस पर 24 वोल्ट का पावर सप्लाई आ रहा है, उन्हीं को वायर पर हम पावर सप्लाई भी कनेक्ट रहेगा और वहीं से हम हार्ट का जो दोनों प्रोब है वहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों और इसको हम ऑन करते हैं हार्ट को, तो ऑन हार्ट करने के बाद तुरंत इनिशिएटिंग करने लगता है, यानी कि डिवाइस को कनेक्ट करने लगता है। तो दोस्तों इस हार्ट को हम PLC पैनल या अपने DCS पैनल से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हार्ट का जो दोनों प्रोब है आप PLC से कनेक्ट कर लीजिए PLC पैनल में, जहाँ पे इसका जो आउटपुट का जो ट्रांसमीटर का आउटपुट वायर जहाँ पे जाए कनेक्ट होता है, यानी कि जहाँ पे 24 वोल्ट वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर आप सीरीज में कनेक्ट करके हार्ट को आप वहाँ से भी कनेक्ट करके इसको कन्फिगर कर सकते हैं, वहाँ से भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हार्ट को फील्ड में ले जाकर ट्रांसमीटर के पास जो पावर सप्लाई का टर्मिनल होता है वहाँ पे दोनों में कनेक्ट करके आप वहाँ से इसको कॉन्फ़िगरेशन करा के इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो आप दोनों में जगह से इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अच्छा रहता है कि फील्ड में ही जाकर किया जाए तो अच्छा रहता है, सब डिस्प्ले में भी दिखता भी रहता है। तो दोस्तों इसमें हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिए हैं, इसका अगले इसका जो पूरा एक कैलिब्रेशन का वीडियो है, तो वीडियो पूरे A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से उसके केवल कैलिब्रेशन का बारे में बताऊंगा, एक एक स्टेप। तो इसके लिए हम कैलिब्रेशन का वीडियो अगले पार्ट में डालेंगे इसका, क्योंकि इसका पूरा एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसका केवल कैलिब्रेशन का वीडियो आपको बताएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, बाकी इसमें हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगला वीडियो जरूर जल्दी लेके आते हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हम जो इसका TMT 112 111 या एंड्रेस प्लस हाउजर का दोस्तों इस टाइप के जितने भी ट्रांसमीटर होते हैं, TT होता है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर या फिर टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उसका हम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो TMT 111 112 113 ऐसे करके जो आते हैं, ये एक्चुअली इनका रेंज का सिलेक्शन होता है, अलग अलग नाम का अलग अलग रेंज होता है, इसके नाम से ही इसका रेंज का अलग अलग सिलेक्शन रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसका पूरा कैलिब्रेशन सेटअप के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।